हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ऑल जीके जीएस हिंदी ऑफिशियल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, मौर्य काल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और अगला हम लोग को होमवर्क रहेगा संगम काल। तो आपके पास जो भी बुक हो उससे पढ़ के आइए और यहाँ मॉक टेस्ट लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? ऑप्शन ए पुष्यमित्र सुंग। क्वेश्चन दो, पुष्यमित्र सुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? पुष्यमित्र सुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति। ऑप्शन ए। कौन वंश का संस्थापक कौन था? कौन वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। ऑप्शन ए। चार नंबर, सातवाहन या आंध्र संतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सीमुक। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर पांच, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था किसके अधीन? तो मौर्य के अधीन। ऑप्शन बी। छ नंबर, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कनिष्क। ऑप्शन सी। सात नंबर, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो भारत और ग्रीक यानी यूनानी शैली का। ऑप्शन डॉग, भारत और ग्रीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ, कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर? पुरुषपुर के ही पेशावर बोला जाता था। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? तो पेशावर का। ऑप्शन सी। दस, चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। ऑप्शन डॉग। ग्यारह नंबर, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? गंधार कला। ऑप्शन सी। बारह नंबर, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन, जिसको हिंदी यूनानी बोलते हैं। तेरह नंबर, किस संग्रहालय में कुशाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो कुषाण। ऑप्शन ए। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सातवाहन के समय बना था सीसा के। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ऑप्शन बी। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त या भूमि या गांव भूमि अनुदान देने के प्रथा आरंभ की? सातवाहन। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 18, भारतीय रंगमंच में यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यौनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? हिंद यूनानी यूनानियों ने। ऑप्शन सी। 19, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मुहर चलाई थी? कुषाण शासक। ऑप्शन सी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क। ऑप्शन ए। 22 नंबर, शक संवत का प्रारंभ किस शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ? कनिष्क। ऑप्शन बी। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में। ऑप्शन ए। 24, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। ऑप्शन सी। 25, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था?
कुशाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वस्तु कला। ऑप्शन डॉग। 26 सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? आंध्र में, यानी कि आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डॉग। 27 सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठन या प्रतिष्ठान, पैठन या प्रतिष्ठान। ऑप्शन बी। 28 निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कॉलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कॉलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख। ऑप्शन ए। 29 किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल। ऑप्शन सी। 30 नंबर सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी तो प्राकृत। ऑप्शन बी। 31 निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, इन राजवंशों का सही कलक्रम क्या है? तो पहला था सुंग वंश, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद गुप्त, उसके बाद चोल, यानी कि सुंग, सातवाहन, गुप्त, चोल, 3, 1, 2, 4। ऑप्शन डॉग। सुंग, सातवाहन, गुप्त और चोल। 32 नंबर मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही, भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? बैक्टीरियन या ग्रीक। ऑप्शन ए। 33 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर कुछ चुनिए। पहला में शासक, दूसरा में उपाधि। अशोक का उपाधि था प्रियदर्शी के, कनिष्क कहेगा तो कनिष्क को बोला जाता था देवपुत्र, खारवेल को कॉलिंग चक्रवर्ती, कुमार गुप्त को महेंद्र द्वितीय, विक्रम द्वितीय को बोला जाता था चंद्रगुप्त टू, विक्रमादित्य को बोला जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए, विक्रम संवत का स्थापना हुआ था कब? 58 ईसा पूर्व। शक संवत का कहेगा तो 78 ईस्वी, और गुप्त संवत का कहेगा तो 319 ईस्वी, और कलि संवत को 3102 ईस्वी, 3102 ईसा पूर्व है। ए के हो जाएगा 4, बी के 3, सी के 2, डी के 1। ऑप्शन नंबर डॉग। क्वेश्चन नंबर 36 मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? सातवाहन। ऑप्शन ए। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुशाण काल में। ऑप्शन बी। 38 सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सुंग वंश का था सुंग वंश के बाद कौड़ वंश। ऑप्शन सी। 39 किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेंचाओ। ऑप्शन ए। 40 नंबर उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था? कुशाणों ने। ऑप्शन बी। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था तो कुशाणों ने। 41 कथन ए कुशाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये सही नहीं है। तो कथन ए सही है, कारण गलती है। ऑप्शन नंबर सी ए सही है किंतु आर गलती है। 42 जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? गंधार शैली। ऑप्शन सी। 43 कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? कनिष्क
बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? तो महायान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति, ऑप्शन सी। 45, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र सुंग के, ऑप्शन डॉग। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? विशुद्ध मतलब विशाल, विशाल शुद्ध। शक राजा रुद्रदामन प्रथम, ऑप्शन बी। 47, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो गोंदो फिनर्स, ऑप्शन सी। 48, किस कुशाल शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की? कडफिसस टू। 49, किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों ने, ऑप्शन डॉग। 50, तरातर या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक, ऑप्शन ए। 51, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण, ऑप्शन ए। 52, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? ग्रीको द्वारा, ऑप्शन ए, सैनिक शासन ग्रीको द्वारा। 53, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? बैक्ट्रिया, ऑप्शन ए। 54, चार धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? कसारपण, ऑप्शन डॉग। 55, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिलों और चेरों का, ऑप्शन बी। 56, मरुत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो कोचीन असत्य है, बाकी तीनों मरुत्तर काल के बंदरगाह थे। 57, निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी में पोडुक्कु नाम से संबंधित किया गया है? आरेकनेडु के, ऑप्शन बी। 58, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस, ऑप्शन ए, डेमेट्रियस। 59, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया? मिनांडर, ऑप्शन सी। 60, कुषाणों का संबंध था तो चीन के यूची जनजाति से, ऑप्शन सी। 61, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष, बुद्ध चरित्र की रचना इसने ही किया था, अश्वघोष। सूची एक को सूची टू से मिलान कीजिए। इंडो ग्रीक तो हिंद एवन थे, शक सिथियन थे, पार्थ पहलव थे, स से शक, स से सिथियन, पार्थ प से पार्थ, प से पहलव, इंडो ग्रीक थे, हिंद एवन। 1, 2, 3 तो ऑप्शन ए। 63, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। राज्य और राजधानी, सुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा। चेदी वंश की राजधानी कोलिंग। सतवाहन के प्रतिष्ठान या पैठन, कुषाण के तो पुरुष पूरे पेशावर, ऑप्शन ए। 64, रोमन साम्राज्य के अनुसार रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण वंश, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 65, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ? तो सुंग काल में निर्माण होने वाला है भरत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका रेलिंग और तोरण द्वार, भाजा स्तूप यानी उपयुक्त में सभी, ऑप्शन डॉग। 66, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्रकृत ग्रंथ की रचना की? गुणाढ्य ने किस प्रकृत ग्रंथ की रचना की? तो बृहत कथा, ऑप्शन ए। 67,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, ये सही नहीं है। पुष्यमित्र सुंग बौद्धों के संरक्षण देते थे, ये भी सही नहीं है। बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्षों को काट दिया था, ये सही है। तो केवल तीन ऑप्शन डॉग। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख ऑप्शन बी। 69 नंबर, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? नियमित रूप से कहेगा तो कुषाण ऑप्शन सी प्राचीन भारत में। 70, प्राचीन भारत में देश के अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक देखते हैं, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत थी, ये सही नहीं है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानक और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी। वीडियो को लास्ट तक 70 हुआ ना, अभी 2 क्वेश्चन और हुआ, 70 लास्ट हो गया। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और हम लोग का अगला होमवर्क रहेगा लुसेंट ऑब्जेक्टिव का संगम काल, या आप लोग कहीं से भी पढ़ गए संगम काल, उसके बाद यहाँ मॉक टेस्ट दीजिए, आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आएगा।